गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एक पॉलिसी होल्डर विथड्रॉ करना चाहता है इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर मेच्योरिटी तो उसे हम कहते हैं सरेंडर ऑफ पॉलिसी जो अमाउंट आपको पेड होगी ऑन सरेंडर जब आप विड्रॉ कर रहे हो पॉलिसी को बिफोर मैच्योरिटी उसे हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज जो फा, पॉलिसी होल्डर है वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है और जो भी फंड्स उसे मिलेंगे अपनी जरूरत के लिए उसे वो यूज कर सकता है तो ये जो फीचर है पॉलिसी का सरेंडर जो फीचर है पॉलिसी का एक तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहा है पॉलिसी होल्डर को कि अगर उसे इमरजेंसी है उसे पैसे की जरूरत है तो वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है तो ये जो सरेंडर ऑफ पॉलिसीज होती हैं ये अलाउड होती हैं लेकिन इसके लिए कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जर्नली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सरेंडर वैल्यू फॉर डिफरेंट ईयर्स विद इन द टर्म ऑफ पॉलिसी कि आपकी अगर 20 साल की पॉलिसी आपने ली है तो 5 साल बाद कितनी सरेंडर वैल्यू होगी 10 साल बाद कितनी सरेंडर वैल्यू होगी 15 साल बाद कितनी होगी 20 साल बाद मेच्योर हो जाएगी तो अगर लेकिन उससे पहले ही अगर आप नाइनटीन ईयर में करवाते हैं या किसी और ईयर में करवाते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी है आपको देती है जो रूल्स हैं फॉर सरेंडर ऑफ इंडोमेंट पॉलिसीज एंड यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स वो डिफरेंट होते हैं फीचर्स क्या हैं सरेंडर के सबसे पहला है ये एक परसेंटेज होती है जो किस चीज किसकी परसेंटेज होती है प्रीमियम जो आपने पे किया है या परसेंटेज पेड अप वैल्यू की देन जो सरेंडर वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी अगर आपकी जो पॉलिसी का टर्म है जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाता है देन ये मोड ऑफ प्रीमियम पर डिपेंड नहीं करती है जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है विद्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी तो जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो परसेंटेज होता है premium का. Next जो हमारा आता है दैट इज एक्वाजिशन ऑफ सरेंडर वैल्यूज बाई पॉलिसी सेक्शन वन वन थ्री ऑफ इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन थर्टी एट डिस्क्राइब करता है रिगार्डिंग एक्वाजिशन ऑफ सरेंडर वैल्यूज बाय पॉलिसी वो क्या है अगर आपने प्रीमियम पे किया है लगातार थ्री कंजक्टिव इयर्स तक इन केस ऑफ जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर फाइव इयर्स केस ऑफ प्रोविडेंट सोसाइटी पॉलिसी है मतलब कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है तो अगर आपने लगातार थ्री कंजक्टिव ईयर्स तक प्रीमियम पे किया है और अगर आपने किसी प्रोविडेंट सोसाइटी से पॉलिसी ली है तो अगर आपने लगातार फाइव कंसेक्टिव इयर्स प्रीमियम पे किया हुआ है तो उस पॉलिसी का एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू होता है जो सरेंडर वैल्यू होगा जो बोनसेस ऑलरेडी एक्रूड हो चुके हैं उसे भी ऐड किया जाएगा सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी में नेक्स्ट है आपका कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लैप्स नहीं होगी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्दर प्रीमियम्स अगर आपने किसी भी पॉलिसी पे थ्री कंसेक्टिव प्रीमियम्स पे किए हुए हैं, जो पॉलिसी है आप उसे अलाइव रख सकते हैं अप टू जो बोनसेस एक्रूड हुए हैं टिल डेट uh, आपके उन्हें भी ऐड किया जाएगा इन कैलकुलेशन ऑफ पेड अप सम देन जो पॉलिसी है उसे आप अलाइव रख सकते हैं टू एक्सटेंड ऑफ पेड अप सम इंश्योर्ड और वो एंटाइटल नहीं होगी बोनसेस के लिए जो डिक्लेयर किए जा रहे हैं आफ्टर कन्वर्जन ऑफ पॉलिसी इनटू अ पेड अप पॉलिसी देन सबसेक्शन टू एंड थ्री वो एप्लीकेबल नहीं होंगे किस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जहां पर आपका जो ये हमने टू और पढ़े हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे कहां पर जहां पर जहां आपका जो पेड अप इंश्योर्ड है जिसमें बोनस इंक्लूड है वो वन हंड्रेड रुपीज से कम है या इन केस ऑफ एनवर्टी वो लेस देन ट्वेंटी फाइव रुपीज है या फिर इन केस ऑफ प्रोविडेंट सोसाइटी वो लेस देन फिफ्टी है अगर पार्टीज किसी और अरेंजमेंट पर एग्री कर जाती है या फिर जो पॉलिसी है उसमें जो सरेंडर वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि जो पॉलिसी है उसको फोर्स में रखा जा सके आफ्टर लैप्स ऑफ पॉलिसी तो इस केस में सेक्शन टू और थ्री अप्लाई नहीं होगा देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज बोनस दो टाइप्स की पॉलिसीज होती हैं एक होती है विद प्रॉफिट और दूसरी होती है विदाउट प्रॉफिट विद प्रॉफिट पॉलिसीज वो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं जहां पर जो कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हुआ है कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है पॉलिसी होल्डर्स को तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट है उसी को हम बोनस कहते हैं जो सरप्लस है वो कैसे अराइव किया जाता है कैसे पता चलेगा कि कंपनी को सरप्लस हुआ है इसे जो भी कंपनी की अर्निंग्स हुई हैं उसमें से जो भी कंपनी ने क्लेम्स दिए हैं उनको डिडक्ट करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा वो सरप्लस कहलाएगा तो जो अर्निंग्स कंपनी ने रिसीव की हैं वो अर्निंग्स कंपनी कैसे रिसीव करती है जो भी उसने प्रीमियम कलेक्ट किया है वो उस प्रीमियम को इन्वेस्ट करती है डेप्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में वहां से जो भी अर्निंग्स हुई है उसमें से जब आप डिडक्ट कर देते हो जो भी क्लेम्स हैं इंश्योरेंस कंपनी पर तो जो आपका सरप्लस है वो आ जाता है और जब उस सरप्लस को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे हम बोनस कहते हैं जो बोनस का रेट है वो डिसाइड किया जाता है आफ्टर कंसीडरिंग अ वैरायटी ऑफ फैक्टर जैसे कि रिटर्न क्या है इन्वेस्टमेंट पर क्लेम एजन जो एक्चुरीज हमें कैलकुलेट बताएंगी करके कि कितना क्लेम इस साल या किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी पर आ सकता है देन लेवल ऑफ बोनस जो प्रीवियस ईयर में आपने डिक्लेयर किया था सेक्टर जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंपनी कंसिड्रेशन में लेती है बिफोर डिसाइडिंग की क्या बोनस रेट वो डिसाइड करती है देन आपका टाइप्स ऑफ बोनसेस सबसे पहला है सिंपल रिव्यूशनरी बोनस ये वो बोनस होता है जो कैलकुलेट किया जाता है डिक्लेयर किया जाता है ऑन दी ओनली और ये जो बोनस है वो एनअली डिक्लेयर किया जाता है ईयरली पेड नहीं किया जाता बल्कि ये एक होता रहता है और एट मेचोरिटी या और एट क्लेम आपको पे किया जाता है नेक्स्ट है आपका कंपाउंड रिव्यूशनरी बोनस ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से होता है ये कैलकुलेट किया जाता है आपके सम एश्योर्ड पर प्लस जो आपके पहले सारे ऑल बोनस जैसे अगर आपने प्लान लिया हुआ है और ट्वेंटी इयर्स का और आफ्टर फाइव कंपनी ने कोई बोनस डिक्लेयर कर दिया उस पर तो वो बोनस उस टाइम पे आपको नहीं दिया जाएगा सपोज पांच साल के बाद दोबारा से टेंथ ईयर में कंपनी ने बोनस जो है वो डिक्लेयर कर दिया तो उस केस में जो फिफ्थ ईयर में आपको बोनस मिला था सम्योर जो आपका है उस बोनस को ऐड करके और उस समय शॉर्ट को ऐड करके उस अमाउंट के ऊपर दोबारा से आपका जो बोनस है वो कैलकुलेट किया जाता है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से जैसे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उसी तरीके से जो कंपाउंड ट्रिविशनरी बोनस है बोनस के ऊपर भी आपको बोनस मिलता है तो इसीलिए जो आपका प्रीवियज बोनस है उसके ऊपर भी आपको बोनस मिल रहा है इसीलिए इसे कंपाउंड बोनस कहा जाता है नेक्स्ट इज योर टर्मिनल बोनस इसे हम परसिस्टेंसी या कैपिटल बोनस भी कहते हैं ये जो भी आपकी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है पेड किया जाता है इन एडिशन टू रिव्यूशनरी बोनस और ये पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर जो टर्मिनल बोनस है दो तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है कई बार जो कंपनीज होती हैं वो उसे डिक्लेयर करती है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बोनसेज जो ऑलरेडी एलोकेटेड है पॉलिसी को और वेयर एज जो अदर है वो डिक्लेयर उसे कर सकती है एज अ परसेंटेज ऑफ दी सम फॉर ईच ईयर और नंबर ऑफ अ पॉलिसी हैज बिन इन फोर्स देन एंट्रीम बोनस एंट्रीम बोनस का मतलब होता है जो बोनस आप इन बिटवीन डिक्लेयर कर रहे हो इसका मतलब है कि अगर जो आपका बोनस है वो पेबल उन पॉलिसीज पर है जो मेचर हो रही हैं या जो रिजल्ट हो रही हैं आ रही हैं क्लेम के लिए डेथ क्लेम के लिए आई हैं तो इन बिटवीन टू बोनस डेट्स अगर आप उसे इशू कर रहे हो तो इसे इंट्रीम बोनस कहा जाता है और ये पे किया जाता है ऑन प्रोराटा बेसिस यूजिंग इंट्रीम बोनस रेट्स जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है देन है कैश बोनस जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो कैश बोनस पे कर सकती है एवरी ईयर देन नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज रिस्ट्रिक्शन क्या है बोनसेस और डिविडेंड्स पर सेक्शन 49 जो है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 का वो डिस्क्राइब करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन बोनसेस एंड डिविडेंड्स जो भी एक्ट के अंदर है जो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी पोर्शन जो लाइफ इंश्योरेंस फंड का है या फिर फंड जो सेम किसी और सच अदर क्लास या सब क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस का है फर्दर कोई भी कंपनी इंक्रीज नहीं कर सकती है सरप्लस को बाय कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ एनी रिजर्व फंड और अदरवाइज अनलेस वो जो कंट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यू अकाउंट जो एप्लीकेबल है उस क्लास या सब क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस को उससे आया हो एंड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ वेलुएशन देन अगर जो रिजर्व फंड है आपका क्रिएट किया जा सकता है आउट ऑफ ट्रांसफर्स फ्रॉम सिमिलर सर्प्लसेज तो उसे हम सर्प्लस में एड कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडवर्टीज इन लाइफ इंश्योरेंस इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच